गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ शुभम सर फ्रॉम संस्कार ग्लोबल स्कूल। ये आपका डाटा हैंडलिंग का वीडियो 2 है, जिसमें हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ द डाटा 14, 6, 12, 17, 21, 10, 4, 3, यानी आपको एक डाटा दिया गया है, इसका क्या करना है? रेंज निकालना है। तो अगर रेंज निकालने की वैल्यू बात कही जाए तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। तो द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर आर 3, 4, 6, 10, 12, 14, 17, 21। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? 3। और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं छोटा, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन आपको 3 दिख रहा है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 20। तो अगर रेंज निकालना है तो आप क्या करिए, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को घटा दीजिए। देयरफॉर रेंज इक्वल टू 21.93 = 18। ये आपका क्या आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। दिए गए डाटा का आपको क्या करना है? मीडियन निकालना। 23, 36, 46, 17, 18, 25, 35 आपका डाटा है, इसका क्या करना है? मीडियन निकालना। तो द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डाटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 17, 18, 24, 25, 35, 36, 47। ये मेरा क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर लिख गया। अब यहाँ पे देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है तो 7 क्या होता है? ऑड वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है r = 7, जो कि ऑड होता है। अब मीडियन में अगर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ऑड आती है तो निकालने का, उसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 12th ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? n + 1 अपॉन 12th ऑब्जर्वेशन। तो n की वैल्यू कितनी है? 7 + 1 अपॉन 12th ऑब्जर्वेशन। तो 7 + 1 आप करेंगे 8, 8 को जब डिवाइड करेंगे 2 तो कौन सी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आएगी? 4th ऑब्जर्वेशन। अब जो आप डाटा असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखे हैं उसमें से फोर्थ ऑब्जर्वेशन लेफ्ट टू राइट की ओर देखिए, 1, 2, 3, 4 क्या है? 25। तो इसकी वैल्यू सारी मीडियन की 25। ठीक है, देख लीजिए तब तक। ये आपकी लास्ट हेडिंग है प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। अभी आपके चैप्टर्स में प्रोबेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, एक आध दो क्वेश्चंस हैं, लेकिन तब पर भी आप जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मींस, हाउ likely is something to happen, यानी कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो या कोई भी किसी भी बात की, किसी भी घटना की जो होने की संभावना होती है वो आपकी क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। लिख सकते हैं किसी भी बात की होने की संभावना, किसी भी बात की होने की संभावना आपकी क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम व्हाट इज द probability of getting hit? क्वेश्चन है कि अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की संभावना क्या है? तो आप जाहिर सी बात जानते हैं कि अगर एक सिक्के को आप उछालते हो तो उसमें क्या क्या इवेंट्स मिलते हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं? या तो एक हेड मिलता है या तो एक टेल मिलता है। यानी आप एक बार अगर सिक्का उछालोगे या तो हेड आने की संभावना है या तो टेल आने की। टोटल चांसेस के टोटल क्या क्या आ सकते हैं, एक बार हेड या एक बार टेल? तो ये जो दो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, हेड और टेल, इसको
आप हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो जैसे यहां पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेडिंग है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो एक स्टेट में छात्र को क्या क्या मिलने की चांसेस रहते हैं, एक बार हेड या एक बार टेल, तो टोटल क्या है दो चांसेस है, एक बार हेड या एक बार टेल। तो यहां पे जो चांसेस होते हैं उसको आप जो इवेंट्स होते हैं हेड और टेल दो इवेंट्स है ना, तो आपको उसको डिनोमिनेटर में लिया। ठीक है, फिर अब आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की संभावना क्या है। तो यहां पे हेड आपको कितनी बार दिख रहा है, सिर्फ एक बार दिख रहा है, तो यहां पे आप 1/2 दिखे, तो इस प्रकार से हेड की आने की संभावना 1/2 है। ठीक है, थैंक यू।